मध्य प्रदेश शासन और श्रम विभाग द्वारा संचालित प्रदेश के चार मुख्य विद्यालयों में से एक इंदौर के बेट माँ खुर्द स्थित श्रमोदय आवासीय विद्यालय का हायर सेकेंडरी परीक्षा परिणाम 100% रहा है, जहां 96% विद्यार्थी प्रथम श्रेणी और विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण हुए हैं, तो वहीं 4% विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा घोषित 12वीं की परीक्षा परिणामों में श्रमोदय विद्यालय आवासीय परिसर इंदौर के बेटमा खुर्द स्थित आवासीय परिसर में विद्यार्थियों का परिणाम 100% रहा है। विद्यार्थियों में अब्दुल वसीम कुरैशी ने 93%, दीपक कुमार मादलिया 91%, दिलीप वसुनिया ने 90% अंक प्राप्त कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया। गरीब और श्रमिक परिवार के इन बच्चों ने साबित कर दिया कि कमल किन परिस्थितियों में और कहाँ खिलता है। विद्यार्थियों ने 100% परिणाम से विद्यालय परिवार और बेटमा इंदौर क्षेत्र गौरवान्वित महसूस कर रहा है। बेटमा संवाददाता की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अचला बिल्लोरे समुदाय आवासीय विद्यालय में PGT सोशियोलॉजी के पद पर कार्यरत हूँ। इस बार हमारा विद्यालय पहली बार बोर्ड एग्जाम में कंडक्ट हुए थे, हमारे विद्यार्थी अपियर हुए थे, जिसमें कक्षा 12वीं में हमारे यहाँ का परिणाम 100% रहा। चारों संकायों में तो कुल हमारे यहाँ से 83 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, जिसमें से 79 विद्यार्थी जो हैं वो फर्स्ट डिवीज़न में पास हुए हैं। केमिस्ट्री में एक बच्चे को 100 मार्क्स मिले हैं, मैथ्स में हमारे हाईएस्ट 98 मार्क्स गए हैं, और इसलिए मैं हमारे संस्था प्रमुख प्राचार्य महोदय जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने हमें समय समय पर प्रेरणा दी और हमें अच्छा उन्होंने हम पे ज़्यादा विश्वास किया, हमें बताया कि हमारी क्या पोटेंशियल है, और समस्त साथियों को उन्होंने प्रेरित किया समय समय पर, जिस वजह से हम ये इतना अच्छा परिणाम देने में सफल हुए। साथ ही में हम हमारे विद्यार्थियों को भी बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहती हूँ कि उन्होंने राज्य में हमारे विद्यालय का परचम लहराया। मैं प्रिंसिपल श्रमोदय आवासीय विद्यालय बेटमा खुर्द इंदौर MH खान, आज हमारे विद्यार्थियों का कक्षा 12 का रिजल्ट घोषित हुआ, जिसमें बच्चों ने विशेष योग्यता के साथ उच्च स्थान प्रदान किया है। ये संज्ञान में लाना नितांत आवश्यक होगा कि हमारे बच्चे जिस ग्रामीण अंचल से और लेबर के बच्चे आते हैं यहाँ प्रवेश लेने के पश्चात, उनके लिए एक अजीब और एक अलग सी परिस्थिति है। इसमें महत्वपूर्ण योगदान यहाँ के नेतागण, यहाँ के जन समाज और उच्च अधिकारियों की ऊँची सोच है, जिसके आधार पर यहाँ ये विद्यालय स्थापित किया गया है। यहाँ पर योग्य शिक्षकों की नियुक्ति के पश्चात ये प्रथम बार हुआ है, पहला रिजल्ट है कक्षा 12 और 10 का, जिसमें बच्चों ने अपना लोहा मनवाया है और विशेष योग्यता के साथ स्थान प्राप्त किया है। न सिर्फ मध्य प्रदेश में, भारत के अंदर भी उनका एक अच्छी छवि जाएगी। ये एक बहुत बड़ी स्कीम है, जिसमें लेबर के बच्चों को एक सहयोग प्रदान करने के लिए मुख्य धारा में जोड़कर उनको राष्ट्र हित के लिए तैयार किया जाए। मैं पालकों का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपनी अमूल्य निधि को मेरे शिक्षक और हमारे सुपुर्द किया है, ताकि हम उनको तराश के उनको तैयार करके एक अच्छा नागरिक बना के देश हित में उनका योगदान लें। मैं अपने उच्च अधिकारियों को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी, अन्य कार्यालय के अधिकारी, इसके अलावा लेबर कमिश्नर, अपर लेबर कमिश्नर, डिप्टी लेबर कमिश्नर और अन्य अधिकारियों का, विशेष रूप से मैं इंदौर के जनमानस का, नेतागण का, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का आभारी हूँ, जिन्होंने समय समय पर हमें सहयोग प्रदान करके और मार्ग प्रशस्त किया, ताकि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा दे सकें। और आज उसका परिणाम है कि मेरे सारे बच्चे जो हैं वो उच्च कोटि के अंक प्राप्त करने के पश्चात देश की अग्रणीय संस्थाओं में प्रवेश लेने के लिए तैयार हो चुके हैं। मैं पुनः पालकों को, समाज को, अधिकारियों को और समस्त जन को धन्यवाद देता हूँ, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को, जिन्होंने हमारा सहयोग प्रदान किया। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।